Hello students, today I am going to explain lesson number 4 in Communicate in English grade 4. The name of lesson is Yuki and Dishnami. Actually this chapter is about a boy whose name is Yuki and who saves life of all villagers with his planning. यह एक प्ले है जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि युकी एक जैपनीज बॉय किस तरह से विलेजर्स को सुनामी से बचाता है, किस तरह से वो प्लानिंग करता है. सो लेट्स स्टार्ट. द पीपल ऑफ ए स्मॉल विलेज इन जापान गेट रेडी टू सेलिब्रेट ए गुड राइस हार्वेस्ट. जापान के छोटे से गांव में लोग अच्छी चावल की फसल है उसको सेलिब्रेट मनाने के लिए तैयारी करते हैं. बट मदर नेचर हैज़ अदर प्लान्स इन स्टोर फॉर देम. लेकिन मदर नेचर प्रकृति ने कुछ और ही उनके लिए प्लान कर रखा है. मीन्स उनके साथ कुछ और ही होने वाला है. क्योंकि ये एक प्ले है तो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया गया है और इसमें कैरेक्टर्स हैं युकी ए यंग जैपनीज बॉय जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है. युकीज फादर, दिस इज सेकंड कैरेक्टर. युकीज मदर, फर्स्ट विलेजर, सेकंड विलेजर, विलेज बॉय, दीज आर कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. क्योंकि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया गया है तो कर्टेन्स ओपन होते हैं और आप देख सकते हैं कि युकी अपने हाथ में एक फूलों की माला लेके खड़ा है और फादर से रिक्वेस्ट करता है, फादर आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. फादर, मैं जो ट्री की ब्रांचेज हैं उस तक नहीं पहुंच सकता. विल यू हेल्प मी प्लीज. प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. इस तरह से वो फादर से रिक्वेस्ट करता है कि फूलों की माला वो पेड़ की ब्रांचेज पर लगाए. दिस फ्लावर्स आर वेरी प्रेटी युकी. ये फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं युकी, युकी के फादर उसको बताते हैं. आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी देम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट. हमारे दोस्त और पड़ोसी इनको रात को देखेंगे जब हम राइस हार्वेस्ट सेलिब्रेट करेंगे. और इस तरह से वो जो फूलों की माला है, गार्लैंड है, उसको पेड़ की ब्रांचेज पर लगा देते हैं. थैंक यू फादर, दैट इज बेटर. थैंक यू फादर, वह अच्छा है. फादर, टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर. फादर, मुझे ग्रैंडफादर के बारे में फिर से बताओ. और वो अपने फादर से अपने दादाजी के बारे में पूछते हैं. Everyone in our village remembers your grandfather. गांव में हर कोई तुम्हारे दादाजी को याद करता है. He was the one who taught us how to grow rice. उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं. Everyone respected him because he was so smart. हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वह बहुत स्मार्ट था. और इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ विलेजर्स और युकी की मदर स्टेज के ऊपर आ चुके हैं. There you two are, तुम दोनों यहाँ हो. We have a lot to do before tonight, you know. तुम्हें पता है आज रात से पहले हमें बहुत कुछ करना है. युकी की मदर उसके फादर और युकी को बताती है. If this is going to be a great celebration, यदि यह एक ग्रेट सेलिब्रेशन होने जा रहा है, then we better
गेट टू वर्क, तो हमें बेटर वर्क करना पड़ेगा। यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर। यूकी और मैं केवल ग्रैंडफादर की बातें कर रहे थे। यूकी के फादर यूकी की मदर को बताते हैं, यस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर यूकी। यूकी, हम सभी ग्रैंडफादर को याद करते हैं। बट वी रिमेंबर हिम एवरी डे बाई डूइंग थिंग्स द वे ही टोल्ड अस। लेकिन हम उन्हें उनके बताए गए तरीकों से काम करके हर दिन याद करते हैं। यूकी की मदर यूकी को उसके दादाजी के बारे में बताती है। ओके डियर, दैट्स एनफ मेमोरीज फॉर टुडे। ओके डियर, आज के लिए इतनी ही यादें काफ़ी हैं। लेट्स गेट क्रैकिंग, आओ काम स्टार्ट करें। यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर ए व्हाइल। यूकी कुछ समय के लिए खुद काम कर सकता है। आई विल कम विद यू डियर, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा डियर। यूकी के फादर यूकी की मदर को बोलते हैं। यूकी, आई वांट यू टू टेक दिस फ्रूट बास्केट टू द सी। यूकी, मैं चाहती हूँ कि ये तुम फ्रूट फलों की टोकरी समुद्र तक ले जाओ। एंड मेक श्योर दैट द फ्रूट्स आर वॉश्ड क्लीन एंड ड्राइड बाय द टाइम आई रिटर्न। और मेरे लौटने से पहले ये फ्रूट्स अच्छे से धो के सुखा लिए जाए सही समय पर। और फलों की टोकरी यूकी को यूकी की मदर दे देती है और उसे समुद्र के किनारे ले जाकर धोने के लिए सुखाने के लिए बोलती है। यू नो हाउ सी गेट्स वर्क्ड अप बिफोर फेस्टिवल। तुम्हें पता है किसी फेस्टिवल से पहले वो कैसे काम करती है। आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर। अच्छा है मैं जाऊं और उसकी हेल्प करूं। और इस तरह से यूकी के फादर और यूकी की मदर दोनों स्टेज से चले जाते हैं। अब आप देखते हैं कि कुछ विलेजर्स कुछ फलों की टोकरी और कुछ दूसरे सामान के साथ स्टेज के ऊपर आते हैं। सभी के हाथों में कुछ न कुछ सामान है। अभी अचानक से यूकी के कदम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? What was that? वह क्या था? The earth moved, धरती हिली। Means उसे ऐसा कुछ फील होता है जैसे पैरों के नीचे कुछ हिला हो। और इस तरह से सभी विलेजर्स के हाथों से जो टोकरियां थी वो नीचे गिर जाती हैं और वो हिलने लगते हैं। Losing your balance there, तुम्हारा बैलेंस गड़बड़ा रहा है। No way, कोई भी नहीं है। I have the sure fitness of a mountain goat. मेरे माउंटेन गोट की तरह बैलेंस बनाने की ताकत है मेरे अंदर। मीन्स मैं अच्छा बैलेंस बना सकता हूँ। वेट, रुको। द अर्थ मूव अंडर माई फिट। मेरे पैरों नीचे धरती हिली है। आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक। मुझे लगता है कि ये अर्थक्वेक था, भूकंप था। और वह विलेजर को बताने की कोशिश करता है। वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं आया है, भूकंप नहीं आया है। वॉट मेक्स यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव वन नाउ। तुम्हें कैसे लगता है कि अब ऐसा होने वाला है? और विलेजर उसे पूछता है, जानने की कोशिश करता है। यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन यूकी। यूकी, तुम्हें नहीं पता कि कैसे मजाक किया जाता है। और इस तरह से उन्हें लगता है कि वो मजाक कर रहा है। ऑलवेज वर्किंग, हमेशा काम करते रहते हो। जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह।
और इस तरह से वो सभी युकी की बात को मजाक में लेते हैं और अपनी जो टोकरियां हैं वो वापस उठा लेते हैं। अभी फिर से युकी को कुछ महसूस होता है और वो कुछ देखने की कोशिश करता है। वेट, रुको, और वो इशारा करते हुए बताता है, आई सॉ द हाउसेस बिलो मूव, मैंने नीचे घरों को हिलते हुए देखा। लुक, देखो, और वो इशारा करते हुए बताता है, द सी हैज टर्न ब्लैक, समुद्र काला पड़ चुका है। नाउ इट लुक्स लाइक द सी इज रनिंग बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम आवर विलेज, अभी ऐसे दिखाई देता है जैसे समुद्र हमारे गांव से पीछे की तरफ जा रहा है। और वो विलेजर्स को समझाने की कोशिश करता है अर्थक्वेक के बारे में। नाउ आई रिमेम्बर व्हाट ग्रैंडफादर हैड सेड, अब मुझे याद आया कि ग्रैंडफादर ने क्या कहा था। द सी वुड टर्न ब्लैक एंड रन अवे फ्रॉम शोर जस्ट बिफोर ए सुनामी, ये सुनामी से पहले कुछ देर पहले जो समुद्र है वो काला पड़ जाएगा और शोर मीन्स समुद्र के किनारे से पीछे की तरफ जाएगा। और वो विलेजर्स को सुनामी के बारे में वार्निंग देने की कोशिश करता है। अब विलेजर्स वहाँ पे जो विलेज बॉय फर्स्ट विलेजर और सेकंड विलेजर है वो खड़े होके देखने की कोशिश करते हैं। लुक आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, देखो मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। लुक हाउ फार द सी हैज पुल्ड बैक, देखो समुद्र कितना पीछे चला गया है। We can see parts of beach that we never saw before. और जो हमने बीच के जो समुद्र बीच के जो पार्ट्स थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे हम देख सकते हैं। Yes, let's go to the beach right away. चलो अभी बीच की तरफ चलते हैं। Imagine all the beautiful cells We will be able to find. Imagine करो हम सभी जो beautiful cells हैं सुंदर cells हैं वो वहाँ पर मिल सकती हैं। We can string them together और हम उन्हें पिरो के माला बना सकते हैं पिरो सकते हैं। Means समुद्री cells होती हैं वो decoration के काम आती हैं। और इस तरह से first villager, second villager वहाँ से चल देते हैं beach की तरफ। वेट वेट एवरीवन, रुको रुको हर कोई, कम बैक, वापस आओ। देयर इज टेरिबल डेंजर, वहाँ पे बहुत डरावना खतरा है। वह विलेजर्स को समझाने की कोशिश करता है रोकने की कोशिश करता है। माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस इज जस्ट व्हाट हैपेंस बिफोर ए सुनामी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि यह बिल्कुल सुनामी आने से पहले होता है। What are you talking about, Yuki? तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो Yuki? और वो विलेजर्स उसकी नहीं सुनते हैं और वहाँ से चल देते हैं। But Yuki कुछ प्लानिंग कर रहा है और वह एक लकड़ी जलती हुई लकड़ी उठाता है वहाँ से और जो राइस स्टोक्स हैं जो राइस के ढेर हैं उनमें वो आग लगानी स्टार्ट कर देता है। फायर फायर एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक, जल्दी करो आग आग, हर कोई माउंटेन की तरफ दौड़ो। और वो चिल्लाने लगता है आग लगा के। अब आप देख रहे हैं कि जो विलेज बॉय है युकी के साथ है और वो दोनों सभी विलेजर्स के साथ वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं।
वो सभी माउंटेन की तरफ दौड़ने लगते हैं। यूकी इज क्रेजी, ही सेट फायर टू द राइस क्रॉप। यूकी क्रेजी हो गया है, पागल है, उसने जो राइस क्रॉप है उसको आग लगा दी। विलेज बॉय विलेजर्स को बताता है, ही डिड इट ऑन पर्पस, आई सॉ हिम, यह उसने जानबूझकर किया, मैंने उसे देखा। जो विलेज बॉय है वो विलेजर्स को बताता है, लुक लुक, देखो देखो, ए सुनामी। और इस तरह से विलेजर्स देखते हैं कि किस तरह से विलेज जो है वो समुद्र के पानी में सुनामी से डूब गया है, और सभी विलेजर्स शॉक्ड हो जाते हैं। इट वॉज जस्ट हाउ ग्रैंडफादर हैड डिस्क्राइब्ड ए सुनामी, और यह वैसे ही था जैसे ग्रैंडफादर ने सुनामी के बारे में डिस्क्राइब बताया था। एवरीथिंग ही हैड सेड वुड हैपन्स हैज कम ट्रू, जो कुछ उसने बताया था वो अब सच हो गया है। फर्स्ट कम्स द अर्थक्वेक, पहले अर्थक्वेक आती है। देन द सी टर्न्स ब्लैक एंड पुल्स अवे फ्रॉम द लैंड, फिर समुद्र काला पड़ जाता है और धरती से पीछे की तरफ जाता है। देन द सुनामी कम्स, फिर सुनामी आती है एंड एवरीथिंग इज स्वेप्ट अवे, और सब कुछ बहा ले जाती है। स्वेप्ट मीन्स बहा ले जाना। Our village has been swept away. It is gone. हमारा गांव बह चुका है, यह जा चुका है। The tsunami took it away like it was never there. सुनामी इसे ऐसे बहा ले गई जैसे यह वहां पे था ही नहीं। I am so sorry that I burned the rice stalks. मैं बहुत माफी चाहता हूँ कि मैंने rice stalks को आग लगा दी। I had to find a way to get everyone to the top of the mountain. मुझे हर किसी को mountain की टॉप पे लाने के लिए कुछ रास्ता निकालना था। Yuki, you saved us all. Yuki, तुमने हम सभी को बचाया है। You are right after all, Yuki. आखिर तुम यूकी सही थे। It was an earthquake. यह एक earthquake थी, जो विलेजर है वो बोलता है। Tonight, we were all going to celebrate our rice harvest. आज रात हम सभी अपनी rice harvest celebrate करने जा रहे थे। Now we will celebrate that all of us are still alive. और अब हम celebrate करेंगे कि हम सभी अभी तक जिंदा हैं। उसकी मदर सभी से बोलती है। And like this you have seen students कि किस तरह से यूकी ने सभी की जान बचाई। I hope you understand. Thank you.